अगर एनपीएस सबके लिए है तो विकास सबका है, हम सबको इकट्ठे होके चलना है। हमारा मेन मोटो एक ही होना चाहिए कि हमें साथ चलना है। साथ चलने के लिए हमें वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, जहाँ भी मीटिंग्स होगी, जैसे भी होगी, हम सबको इकट्ठे होके चलना है। मेन मोटिव जो है हमारे, जो हमारी संस्था खुली हुई है उसका एक ही है, लोगों को इकट्ठे करना। इनका खुद का अपना बेनिफिट उसमें कोई नहीं होने वाला। जो हमारे लीडर्स हैं उनका इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, वो हमारे ही बेनिफिट की बात कर रहे हैं। लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमारे टीचर्स को, हर एक एम्प्लॉय को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का, जिस मर्जी डिपार्टमेंट का है, पता होनी चाहिए कि विकास सबका होने वाला है, तो सबका साथ होना जरूरी है। तो पहले लेट्स यूनाइट, पहले यूनाइट होते हैं, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें हम लोग एक बाय, मतलब वन बाय वन उसको हम आगे आगे लेते चलेंगे। हमारा एक अहम इशू था, उसके उसका संज्ञान लेते हुए पानी पेशन को बहाल करने के लिए मीटिंग का आगाज किया है। और मुझे उम्मीद है इस तरीके से यहाँ पे जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, हम इस छोटे से कार्यक्रम से लंबी जदोजहद करते हुए जो हमारा पाना पेंशन का जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे। वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम इसको समझेंगे, क्योंकि जब पुरानी पेंशन और नई पेंशन, ये दो पेंशनों का जो छलावा सरकार ने हमें दे दिया है, आप जिसे जानते हैं कि पहले एनपीएस में आई एम नॉट इन एनपीएस स्कीम बट आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है, जो हमारे जो न्यू, जो हमारे यूथ जो है जॉब करेंगे उनके साथ होने जा रही है, गवर्नमेंट उनके साथ इंटरेस्टेड कर रही है, सबको ये दिख रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा लोग क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे अगर अपनी फैमिली के मेम्बर्स को भी इस प्रोटेस्ट पर लाना पड़ेगा तो मैं रेडी हूँ। थैंक यू। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, जो पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेके संगठन चल रहा है, आज जहां पे उधमपुर में एक बैठक उसकी की गई है, और जहां पे मेरे साथ यूटी के प्रेसिडेंट गुलजेर डेंग साहब भी जहां पे आए हुए हैं, अलग अलग विभागों के कर्मचारी जहां पे जो एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं, इस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया है। और आपके माध्यम से हम ये सरकार से मांग करना चाहेंगे, केंद्र सरकार से, और जहाँ पे जो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब की देखरेख में जो चल रही है, दोनों सरकारों से हम पुरजोर मांग करेंगे कि पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए, जो 2010 में बंद की थी जम्मू कश्मीर के अंदर और देश के अंदर, 2005 में कई स्टेट्स के अंदर, 2004-08 में बंद की गई, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको 2010 में जो बंद किया गया है, उस ऑर्डर को जल्द से जल्द मॉडिफाई करके दोबारा सभी एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में लाया जाए। क्योंकि अभी तक सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, एमएलएज, एमपीज, सिस्टम को चलाने वाले, उन्होंने अपने लिए पुरानी पेंशन को ही रखा है, और उनको पेंशन का लाभ, जो भी सुविधा है वो उनको पूरी मिल रही है। लेकिन अफसोस की बात कि लाखों कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको इससे वंचित किया जा रहा है। और एनपीएस जो एक क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है, जो पॉलिसी लाई है, ये पॉलिसी पूरी निजीकरण, ये प्राइवेटाइजेशन है। हमारा पैसा जो है ये प्राइवेट सेक्टर में लगभग जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। लिहाजा सभी कर्मचारियों से, एनपीएस के तहत कर्मचारियों से हम पुरजोर अपील भी करना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरे देश के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इसको सपोर्ट करें। और सरकार ने अगर शीघ्र इस पुरानी पेंशन को लाया नहीं, तो बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू होगा।